आज हम आपको मध्य प्रदेश भोपाल की बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आज हम आपकी चर्चा कराने जा रहे हैं वर्षा और प्रदोष और उनके हस्बैंड थे, तो आइए जानकारी लेते हैं उनसे कि आज से 3 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ या नहीं। तो आज उनकी मुलाकात हम आपसे और उनसे रूबरू आपसे कराने जा रहे हैं और उनसे कुछ चर्चा करते हैं कि उनके 3 वर्ष में क्या हालत रहे और धर्म परिवर्तन ये लोग करने जा रहे हैं, यानी वर्षा धर्म परिवर्तन करने जा रही हैं। तो आइए उनसे कुछ चंद क्वेश्चन कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो आइए हम चर्चा कराते हैं वर्षा और प्रदोष से और इनसे ही पूछते हैं अभी तक के 3 साल में हालत क्या बने इनके और क्या बताना चाहती हैं। प्लीज वर्षा जी बताइए कि जो 3 वर्ष आपके गुजरे इन किस हालतों के आपके गुजरे, प्लीज थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम वर्षा है और एजुकेटेड हूँ, बट मैंने इनसे लव मैरिज की है, मैं लव करती हूँ और मैंने भागकर शादी करी है, बट कुछ परेशानी हो जाने के कारण मैं कोर्ट मैरिज नहीं कर पाई हूँ और अभी इनके साथ बिना कोर्ट मैरिज और बिना निकाह के रह रही हूँ और मेरा बेटा भी है 3 साल का। तो वर्षा जी बेटा आपका है जी? ये मेरे बेटे का नाम क्या है वर्षा जी? इनका नाम इब्राहिम है जी। तो वर्षा जी आप और क्या बताना चाहेंगी हमारे लोगों को? आप यहाँ 3 वर्ष से मतलब अभी आपका मतलब विवाह नहीं हुआ है इनके साथ, तो आप क्या चाहती हैं? विवाह होना चाहती हैं, निकाह होना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? जी सर मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और इनके साथ ही रहना चाहती हूँ और इनके साथ रहने के लिए मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरी कोर्ट मैरिज करवाने में थोड़ी सी मदद कर दे, जिससे मैं इनके साथ कोर्ट मैरिज कर सकूँ और इनके साथ अच्छे से रह सकूँ बिना किसी मुसीबत के। तो ये हमारी वर्षा जी है, ये धर्म परिवर्तन भी करना चाहती है, तो आइए धर्म परिवर्तन के बारे में पूछते हैं। तो धर्म परिवर्तन में आपकी क्या राय है? धर्म परिवर्तन एक परिवर्तन है, सब अपनी मर्जी से मैं करना चाहती हूँ ये, और मुझे ये अच्छा लगता है नमाज पढ़ना, इनके साथ रहना, और ये बहुत अच्छा दिन है और इसमें आना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसमें आना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जैसे ये बताइए आप धर्म परिवर्तन करने जा रही हैं, तो इस धर्म परिवर्तन में आपके डैडी को या मम्मी को कोई एतराज़ तो नहीं है इस मामले में? जी नहीं, उन्हें बिल्कुल एतराज़ नहीं है, उनकी बिल्कुल मेरी तरफ से ही उनका साथ है और वो चाहते हैं कि हाँ वो मैं ऐसा करूं और इनके साथ रहूं और खुश रहूं। तो हमारी वर्षा जी अभी तक मुझे 3 वर्ष से साथ निभाते हुए आ रही है, फैसल साहब का 3 वर्ष से साथ निभाते हुए आ रही है, अब जो है ये निकाह चाहती हैं, कोर्ट मैरिज चाहती हैं और धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो आइए एक चर्चा हम करें, बताइए जो इनकी राय है ये मेरे साथ रहती है, इसलिए इनके साथ रहता हूँ। तो ये तो बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि ये जो है वर्षा जी इनका नाम आपने फिरदौस रखा, ये धर्म परिवर्तन करने जा रही हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इनकी खुशी के लिए मैं साथ खड़ा हूँ और ये जैसा चाहिए वैसा ही होगा। तो आप अपने लिए क्या चाहते हैं? हाँ ये करें, इनका मन है तो ये कर सकते हैं। नहीं आप अपने लिए क्या चाह रहे हैं? मेरे लिए कोर्ट मैरिज के लिए हो जाएगा तो आगे मेरे बच्चों के फ्यूचर में पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सरकारी कागज़ जो होंगे तो उसमें उसके फ्यूचर आएंगे। तो देखा आपने कितनी अच्छी बात है कि वर्षा जी अपना घर बार छोड़कर आई हैं और फैसल साहब से निकाह करना चाहती हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं और धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं। आज भी देखा जाए समाज के अंदर एक एकता बनी हुई है हिंदू और मुसलमान की। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।